हेलो फ्रेंड्स यार, इस टाइम जो बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा था वो ये था कि सर सीबीएसई रीचेकिंग कराना एक सही डिसीजन है या गलत डिसीजन है। क्या रीचेकिंग में हमारे मार्क्स कम भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? आप हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन बता दो। मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर रीचेकिंग कराने जाएं या ना जाएं। तो भाई मैं पूरी की पूरी आपको बताता हूँ डिटेल्स कि आप लोगों को रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। माय नेम इज हर्ष थापर एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप लोगों 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। आप लोग अपने हिसाब से देखो, अगर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स वो हैं जो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग रीचेकिंग के लिए पक्का जाना। ठीक है भाई, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली देखना है इस क्वेश्चन के आंसर्स। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है भाई, किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट है, क्या आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा कम है? अगर 1-2 मार्क्स कम है तो मत जाना रीचेकिंग के लिए। अगर बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है आपको कि मैंने एक्सपेक्ट किए थे 80 और आए हैं मेरे 60, तो भाई आप लोग डेफिनेटली रीचेकिंग के लिए जाओ। ठीक है, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो ये है जो बच्चों का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि क्या रीचेकिंग से मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो भाई इसका आंसर है यस। अगर ऐसा हो गया कि आप लोगों ने कोई आंसर नहीं लिखा था तब भी एग्जामिनर ने ऑलरेडी आपको मार्क्स दे रखे हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, आप लोगों के मार्क्स भी कम हो सकते हैं अगर आप लोग रीचेकिंग के लिए जाओगे। तो थोड़ा जो डिसीजन है वो सोच समझ के लेना। तीसरी चीज जो आती है वो ये है, क्या ये जो हम रीचेकिंग करा रहे हैं नेसेसरी है या नहीं है? अगर आप लोग ये सोचो कि आप लोगों के 76 मार्क्स है और रीचेकिंग के बाद 77 या 78 हो जाएंगे तो भाई रीचेकिंग के लिए गलती से ही मत जाना। रीचेकिंग तभी कराना जब बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स सच में ही बहुत ज्यादा कम है तो ही आप लोग रीचेकिंग के लिए जाना। ठीक है भाई, और अगर एक बार रीचेकिंग के लिए चले गए तो कॉन्फिडेंस में रहो भाई। जो चीज आप लोगों ने अब कर ली ना, उस चीज को लेके बैठ मत जाना कि हमने गलत कर दी, क्या कर दिया। जो चीज करी उसको एक्सेप्ट करो, कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ मुझे लग रहा था मेरी एक्सपेक्टेशन 60 की थी और आए मेरे 40 या 45, तो मैं रीचेकिंग के लिए जाऊंगा। तो भाई जाओ, बिल्कुल जाओ, और जो भी डिसीजन लोगे उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रहना। ठीक है, रीचेकिंग करानी है नहीं करानी है, जो भी डिसीजन हो उसको लेके कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि रीचेकिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। वो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स करो जो मैंने आपको पीछे दिखाए हैं कि अगर वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सही है तो आप लोग रीचेकिंग के लिए जाओ। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।